भारत जैसे लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म पर लगातार राजनीतिक बयानबाजी होती रहती है। कुछ दिन पहले आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने भी कुछ बयान दिया था, जिसके बाद लगातार विवाद गहराता चला गया था। और कल जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ अरशद मदनी ने भी कुछ ऐसा बयान दिया, जिसके बाद लगातार वो सुर्खियों में छाए हुए हैं। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शिया धर्मगुरु कल्बे जब्बाजी, जिनसे हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। सर, कल अरशद मदनी जी ने एक बयान दिया था कि ओम और अल्लाह एक ही हैं, बहुसंख्यक समाज जो है इन्हें ही मनु को पूछता था, और न तो ओम का कोई रूप रंग आकार है, ना ही अल्लाह का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस पे मुझे इतने ज़्यादा, हम बिजी रहते हैं कि हमें टीवी वगैरह सुनने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता। क्या बयान दिया उन्होंने अरशद मदनी साहब ने, मुझे नहीं मालूम है, मगर ये कि बहुत बड़ी जिम्मेदार शख्सियत है, इसमें कोई शक नहीं, और एक बहुत बड़ी जमात है जमीयतुल उलमा, उसके शायद वो प्रेसिडेंट भी हैं अरशद मदनी साहब। तो अब उसी ने क्या बयान दिया, क्या सोच के बयान दिया है, लेकिन बहरहाल हम तो ये समझते हैं कि बाहर के अल्लाह सबका है और पैदा करने वाला सबका एक है, और रास्ते बस थोड़ा सा अलग अलग हैं और मंजिल एक है जिसको कहा जाता है। तो अब भागवत जी ने भी क्या बयान दिया, वो भी सही बिल्कुल तरीके से नहीं मालूम उनके वर्डिंग्स क्या हैं, लेकिन वो भी एक दायरे की इतनी बड़ी जमात आरएसएस की है जो पूरे हिंदुस्तान में छाए हुई, उसके एक बहुत जिम्मेदार, और उनके बयान जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उनके बहुत ही बैलेंस बयान होते हैं उनके। तो लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि आपस में मिल बैठ कर बात हो, अलग अलग बयान ना हों, बल्कि सब आप जितने बड़े लोग हैं वो ज़ाहिर है सभी हिंदुस्तान की भलाई चाहते हैं, हिंदुस्तान में इत्तेहाद चाहते हैं, यूनिटी चाहते हैं, आपस में मेल मोहब्बत चाहते हैं सबके सब। भागवत जी का भी मकसद यही है, अरशद मदनी साहब हो या महमूद मदनी साहब हो या और कोई बड़े जो मुसलमानों के लीडर हो, वो सब चाहते हैं कि मुसलमान यहाँ इत्मीनान से रहें, सुकून से रहें, कोई फितना ना हो, फसाद ना हो, दंगा ना हो कोई, क्योंकि हर दंगे में मुसलमान ही का नुकसान होता है। कोई भी दंगा होगा सिर्फ मुसलमान के उसमें नुकसान होते हैं, उसमें मुसलमान मारे जाते हैं, उनकी दुकानें जलती हैं, उनके मकानात जलते हैं, सब उसका नुकसान होते हैं, तो दंगे में किसी का फ़ायदा नहीं होता है, नुकसान ही होता है। लिहाजा हम भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, भागवत जी भी चाहते हैं, सब लोग भी चाहते हैं कि भाई कोई आपस में कोई लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद ना हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मिल बैठ कर बात करें, अलग अलग बयान ना दें। अलग अलग बयान देने में होता है कि लोगों को भरम पैदा होते हैं कि भाई ये कहा तो उन्होंने जवाब में ये कहा, तो ये जवाब आप ना हो, वो कहें तो उनके जवाब ये दें, ये कहें तो उनके जवाब वो दें, तो उससे बात बिगड़ती चली जाएगी। लिहाजा हमारा कहना यही है कि सब आपस में हिंदुस्तानी हैं, सब ने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जैसे किसी ने कहा कि उन्हें अभी कहा कि हम इतना हिंदुओं का हक उतना मुसलमानों का हक, ये बिल्कुल सही बात है कि मुसलमानों ने भी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इंसानी आज़ादी के लिए, बहुत मुसलमान मारे गए हैं, तो हिंदुओं ने भी इसी तरह से कुर्बानियाँ दी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा शहीद हुए हैं, बहुत ज़्यादा मरे हैं वो। तो जब सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान की भलाई के लिए काम कर रहे हैं तो अलग अलग बयान कैसे, सब मिल बैठ कर यहाँ पर और सबकी भलाई के लिए बात करें, सबके हिंदुस्तान की तरक्की के लिए बात करें, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए बात करें। हिंदुस्तान तरक्की करेगा तो हमारी भलाई है, और हम तरक्की करेंगे तो हिंदुस्तान की भलाई है, ये दोनों अलग 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 चीज़ें नहीं हैं, हिंदुस्तान और हम दो अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं, अलग नहीं, एक सिक्का जो है आप एक सिक्के के दोनों को अलग आप कर ही नहीं सकते, आप अलग करना चाहे अगर तो वो सिक्का चलेगा नहीं, एक तरफ बिटा देगा अगर आप इस एक सिक्के के एक रुख को बिटा दें तो वो सिक्का बेकार हो जाएगा, जब तक दोनों सिक्के सही रहो। तो मुसलमान हिंदू हिंदुस्तान नाम के एक सिक्के के दो पहलू हैं, और दोनों को सही होना चाहिए, दोनों को एहसास होना चाहिए कि हिंदुस्तान उनके ज़रिए से तरक्की करे, ना इनका हक मारा जाए ना उनका हक मारा जाए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए, सबकी भलाई के लिए बात होना चाहिए। और हम समझते हैं भागवत जी का भी नज़रिया यही है, और अरशद मदनी साहब हो या महमूद मदनी साहब हो या और भी कोई हो, उनके नज़रिए भी यही हो। दो वर्ग जो है वो मनु की बात करता है और उसके बाद मुस्लिम और आदम की बात करता है, तो उन्होंने कहा कि मनु और आदम दोनों एक हैं, इसके बाद से लगातार जो है वो बातें जो है विवादों मदनी जी लगातार विवादों में बढ़ते गए, उनकी बयानबाजी जो है सुर्खियों में बनी हुई है इस बात में। देखिए हमारा भी कहना यही है और कुरान मजीद का भी यही कहना है, हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कहना यही है कि दुनिया के कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ अल्लाह के नुमाइंदे और दूत उनके ना आए हो। जैसे इतना बड़ा मुल्क है और उसमें अल्लाह का कोई पैगंबर ना आया हो, अल्लाह का कोई प्रॉफिट ना आया हो, अल्लाह का कोई दूत ना आया हो, ये इम्पॉसिबल है।
लिहाजा हमारा क्या मानना तो ये, जैसे मनु आदम को हम मनु नहीं मानते, लेकिन जनाब नूह के जो वाकयात हैं हमारे, तो जनाब आदम के बाद एक पैगंबर थे नूह पैगंबर, तो उनके जो वाकयात हैं और मनु के जो वाकयात हैं वो काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो हमारा कहना ये है कि ये हो ही नहीं सकता कि कोई प्रॉफिट यहाँ ना आया, लिहाजा हमारे उलमा ने मना किया है कि किसी भी धर्म के किसी भी बड़े जो ऊपर वो है, जैसे मनु है, राम है, या कोई भी ऐसा वशीरे है, इनको नाम लेकर कोई बुरा कहने की इजाज़त नहीं है कि तुम इनके नाम लेकर इनको बुरा कहो। हो सकता है प्रॉफिट रहे हो सकता है ये अल्लाह की तरफ से दूत रहे हों, बाद में ये होता है कि वो उनके जो टीचिंग है उनको बदल दिया जाता है, उनको बाद में आने वाले बदल देते हैं। आज जनाब मूसा की वो टीचिंग नहीं जो पहले थी, आज जनाब ईसा जो है उनकी वो टीचिंग नहीं जो पहले थी, लेकिन हम ईसा को जनाब ईसा बुरा नहीं कह सकते, हम जनाब मूसा को बुरा नहीं, मूसा यानी जो ज्यूज इनको मानते हैं, जनाब ईसा उनको ईसाई धर्म वाले मानते हैं, हमें बिल्कुल अलाव नहीं है कि हम उनको बुरा कहें, हरगिज़ अलाव नहीं। इसी तरह से जो हिंदू धर्म के जो गुजरे हैं जैसे राम और कृष्ण, ये हमें बिल्कुल अलाव नहीं कि हम उनको बुरा कह सकें। हो सकता है वो प्रॉफिट हो सकता हो, यानी हम 100% नहीं कह रहे, हो सकता है वो प्रॉफिट रहे हों लेकिन बाद वालों ने उनमें चेंज कर दिया हो, तो लिहाजा वो उनका जो कहना है सही है बिल्कुल कि भाई जनाब आदम जो थे वो हिंदुस्तान ही में आए थे। ये जो जो जजीरे हैं मालदीव वालदीव जो कहलाते हैं, वो श्रीलंका वगैरह है, सरंदीप कहलाता था पहले, ये हिंदुस्तान में शामिल था, जनाब आदम यहीं उतरे आके, तो हम तो ओरिजिनली हिंदुस्तानी सबके सब जो है, वो पूरी दुनिया में जितने भी सब हिंदुस्तानी हैं देखा जाएगा तो, क्योंकि आदम जिनके ज़रिए से पूरी दुनिया में नस्ल पैदा हुई है, और जो आदमी आए हैं और जो इंसान आए हैं जो मनुष्य आए हैं वो उनके जो बाबा आदम थे तो हिंदुस्तानी के थे वो, तो ओरिजिनली तो पूरी दुनिया में जितने भी सब हिंदुस्तानी हैं, हमको करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, जिन्होंने मदनी जी की बातों का विरोध किया, ने कहा कि अल्लाह और ओम दोनों अलग अलग हैं। इसके बाद अरशद मदनी ने सफाई भी दी है कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया। कल जब उन्होंने बयान दिया था तो और भी धर्मगुरु अलग अलग धर्मों के वहाँ मौजूद थे, वो मन छोड़ के चले गए थे, और उन्होंने ये भी कहा है कि उनसे पूछिए कि आखिर वो इस बात पर मन छोड़ के क्यों चले गए, मेरी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया। देखिए आपने पहले ही आपसे कहा कि कोई दुनिया का कोई गोशा ऐसा नहीं है, कोई जगह ऐसा नहीं है अल्लाह की तरफ से तुम्हारे दिन आए, तो उनका कह रहा है कि अल्लाह और ओम एक है, लेकिन हमारी रिसर्च अलग है, वो हमारे जो उनकी रिसर्च ये, वो ओम जो है वो पहले इस तरह से लिखा जाता है जैसे जैसे अली लिखा जाता है, जिस तरह से अरबिक में अली लिखा जाता है उसी तरह से पहले संस्कृत में ओम लिखा जाता था, पुराने जो नुस्खे हैं उसमें ओम उसी तरह से लिखा जाता है जिस तरह से अली, तो और उसके जो मानी है ओम के वो अल्लाह के नहीं है। आप संस्कृत की डिक्शनरी भी देख ले जाके, जो पुरानी डिक्शनरी, ओम के मानी अल्लाह के नहीं, ओम के मानी अल्लाह का हाथ, ओम के मानी अल्लाह का मुखड़ा, ओम के मानी है अल्लाह की ताकत, ओम के मानी है अल्लाह का चेहरा, तो और वो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रसूलुल्लाह के जो दामाद और भाई थे हजरत अली के लिए कही जाती हैं। तो हमारा ख्याल तो यही है, रिसर्च है, हो सकता है कि अपनी 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 रिसर्च होती है, हिंदू हो सकता है ना माने इसको, लेकिन हम लोग यही मानते हैं कि ओम जो उस तरह से ओल्ड संस्कृत में ओम उसी तरह से लिखा जाता था कि जिस तरह से अरबिक में अली का वर्ड लिखा जाता है। लगातार इस हिंदू मुस्लिम की चर्चा बनी रहती है, बयानबाजी होती रहती है, धर्म को तोड़ने की बात कहते हैं जैसे आपने भी कहा, तो ये आखिर चर्चाएं इतनी क्यों बनी रहती हैं हिंदू वर्सेस मुस्लिम की, और आप उन लोगों के लिए क्या संदेश देंगे जो हिंदू मुस्लिम को तोड़ने की बात करते हैं, इस पर राजनीति करते हैं? यही तो हमने अभी आपसे कहा कि सिर्फ हिंदुस्तान के दुश्मन हो सकते हैं, दोस्त नहीं हो सकते, और ये सिर्फ पॉलिटिकल होता है, सिर्फ वोट हासिल करने के लिए, सिर्फ वोट हासिल करने के लिए, जो हिंदू मुस्लिम रहना चाहे, अगर मुसलमान है तो मुसलमानों का दोस्त नहीं है, अगर हिंदू है तो हिंदुओं का दोस्त नहीं है, बल्कि वो हिंदुस्तान का दुश्मन है, जो चाहेगा कि आप यहाँ दंगे हो या फसाद हो, क्योंकि जितने दंगे होते हैं उसमें जो नुकसान होता है उससे, उसके बाद जो पब्लिक का नुकसान, आज तक किसी लीडर का घर जो है किसी फसाद में नहीं जला, आज तक कोई लीडर कभी किसी दंगे में नहीं मारा गया, किसी लीडर का घर आज तक नहीं जला है, आज बताइए कभी किसी लीडर का घर जला। तो
ये सिर्फ लड़ाते हैं आपस में सिर्फ इसलिए कि उनको राजनीतिक फायदा पहुंचे। पब्लिक लड़ती है बेवकूफ़ बनती है, उनसे पब्लिक का नुकसान होता है, राजनीतिक नेता का फायदा होता है। पब्लिक को समझदारी करना चाहिए तो लड़ाएंगे, पब्लिक को समझदारी से काम लेना चाहिए कि इनके बहकावे में आकर आपस में न लड़े, ये हमारा कहना है। तो ये थे सिया धर्मगुरु कल्बे जब्बार जी, जिन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि हिंदू और मुसलमान एक ही सिक्के के दो पहलू है, हिंदुस्तान सभी का है और सभी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। जो भी हिंदू और मुस्लिम को तोड़ने की बात करते हैं, इस पर राजनीति करते हैं, वो इस देश के और हिंदू मुसलमान दोनों भाइयों के दुश्मन है। कैमरा मैन नीरज के साथ में विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।